हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। हम लोग सर्कल पर बात कर रहे थे और आज सर्कल का थर्ड क्लास है जिसमें हम टू सर्कल की बात करने वाले हैं। हमने सर्कल का बेसिक पूरी तरह ख़त्म कर दिया है पिछली दो क्लासेस में। आज टू सर्कल के ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ और जो भी थ्योरम्स बनती हैं वो सारी की सारी हम यहाँ देख रहे होंगे। आज की क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको सर्कल के 300 क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो उसको जाके डाउनलोड कीजिए। आपके पास टाइम है लगभग 5 से 6 दिन का उनको सॉल्व करने के लिए। 5 से 6 दिन लीजिए, उनको सॉल्व कीजिए। 5 से 6 दिन के बाद हम उसको सॉल्यूशन वीडियो लेके आ रहे होंगे पूरे 300 क्वेश्चन का। और बीच में जो टाइम मिलेगा हमें, उसमें हम परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और CISI जो हमने अभी तक सॉल्यूशन नहीं कराया है उनका सॉल्यूशन वीडियो लेके आ रहे होंगे। तो अभी बीच में टाइम रहते आप सर्कल सॉल्व कीजिए, जब तक मैं परसेंटेज, CISI और प्रॉफिट लॉस का सॉल्यूशन आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो होप ये बात क्लियर होगी। चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। ओके, आइए एक नई प्रॉपर्टी देखते हैं सर्कल के बारे में। अगर कोई सर्किल में चारों तरफ स्पर्श रेखाएं खींच दी जाएं, कुछ इस तरह से, अगर किसी सर्कल के चारों तरफ स्पर्श रेखाएं खींच दी जाएं और उसको कवर कर दिया जाए। समझो, यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो कि किसी चतुर्भुज के अंदर एक ऐसा सर्कल बनाया जाए जो चतुर्भुज की चारों भुजाओं को टच कर रहा हो। एक ये कॉन्सेप्ट हो सकता है। और दूसरा हो सकता है कि किसी सर्कल के चारों तरफ चार स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींची जा रही हों कि वो एक बंद आकृति बना रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं ए, बी, सी और डी। जिन पॉइंट पर ये स्पर्श कर रहा है उनको भी मान लेते हैं, पी, क्यू, आर और एस। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर सर्कल के बाहर किसी बिंदु से सर्कल पर स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, इसका मतलब वो दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर हैं। हम कह सकते हैं इसका मतलब है AP बराबर है AS के। ठीक है, सेम बिंदु B को पकड़ते हुए आप कह सकते हो कि अगर BP और BQ के बारे में बात की जाए तो BP बराबर होगी BQ के। क्लियर है, क्योंकि ये भी सर्कल के बाहर से स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं। इसको मान लेते हैं ये ए लाइन है और इसकी लंबाई बी है। इसी तरह सी क्यू और सी आर भी आपस में बराबर होंगी, जिसको हम सी लंबाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फाइनली जो बचा हुआ डी एस और डी आर भी आपस में, डी एस बराबर होगा डी आर के, जिसको हमने डी से रिप्रेजेंट किया है। अब आप कह सकते हो कि एक पूरी साइड ये जो है ये है ए प्लस डी, ये जो पूरी साइड है ये है सी प्लस बी। इसी तरह ऊपर की जो साइड है ये है ए प्लस बी और नीचे की जो साइड है ये है सी प्लस डी। देन हम कह सकते हैं इसको देखते हुए कि आमने सामने की भुजाओं का योग आपस में बराबर है। मतलब आप कह सकते हो साइड ए डी प्लस बी सी बराबर होगी हमेशा यहाँ पे ए बी प्लस सी डी के। किसी भी सर्कल के चारों तरफ अगर
एक चतुर्भुज आकृति बनी हुई है, तो उसके आमने सामने की भुजाओं का योग आपस में हमेशा बराबर होगा। ये हमने यहाँ पे प्रूफ किया है, ठीक है। आपको ये डायरेक्टली याद रखना है कि ये ऐसे होता है, तीन भुजाएं दे दी जाएंगी और होता क्या है कि चौथी भुजा आपसे पूछ रहा होता है। एक सर्कल बना देगा और उसको पूरा कवर कर देगा, तीन भुजाएं दे देगा और कहेगा ये भुजा बता दो। तो हमें समझना है कि अगर 6 4 10 है, ऊपर 5 है, तो नीचे भी कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, ताकि इन दोनों का सम 10 होगा और इन दोनों का सम भी 10 हो रहा होगा। इस तरह के यहाँ पे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट, टू सर्कल की अगर हम बात करें, तो एक सर्किल है जिसको दूसरा सर्किल ओवरलैप कर रहा है, कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें आपको गिवन होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहले सर्किल का सेंटर, दूसरे सर्किल का सेंटर P और Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों को मिला देते हैं तो लाइन होगी PQ, क्लियर है। पहले सर्कल की रेडियस गिवेन है, होती है हमें, दैट इज R1। दूसरे सर्कल की भी रेडियस गिवेन होती है, दैट इज R2। जिन दो पॉइंट्स पे ये सर्कल एक दूसरे को काट रहे होते हैं उसको हम A और B नाम देते हैं, और एक सीधी लाइन A और B को मिला देती है, ठीक है। ये जो लाइन ए और बी है इसको हम कॉमन कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड का मतलब समझते हैं, जीवा, एक ऐसी जीवा जो दो सर्किल के बीच में कॉमन हो, उसको कहते हैं कॉमन कॉर्ड, क्लियर। ये पूरी तरह 90 डिग्री का वैल्यू बना रही होगी। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि बताइए पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी है। तो अब हमें समझना होता है कि पी और क्यू, ये पूरी रेखा है, ए बी इसको काट रही है और किसी बिंदु सी पर काट रही है, मान लेते हैं। हमें पी क्यू के बारे में बताना होता है आर और ए बी के टर्म में। तो सबसे पहले हम पी सी की वैल्यू निकालते हैं। ट्राइंगल ए पी सी में हम सबसे पहले पी सी की वैल्यू निकालेंगे और लिखेंगे पी सी इक्वल होगा R1² - ए बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पूरी लाइन ए बी है जो कॉमन कॉर्ड है और इसका आधा होगा ए सी, तो हम उसको लिख रहे हैं ए बी अपॉन 2, क्लियर है। देन इसी तरह जब दूसरे ट्राइंगल की हम बात करेंगे तो हम बात कर रहे होंगे ए सी क्यू की, तो सी क्यू इक्वल टू होगा √ R2² - ए बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, क्लियर है। सी क्यू अगर हमें निकालना है तो R2² कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और ए सी का जो वैल्यू है वो वापस से आप समझोगे कि ए बी अपॉन 2 रख सकते हैं हम उसमें। अब फाइनली पी क्यू का जो वैल्यू रखेंगे तो आप कह सकते हो आपका जो आंसर है वो है R1² - ए बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस R2² - ए बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह दो सर्किल अगर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो उनके केंद्र के बीच की दूरी आप यहां से जाके निकाल सकते हो, दैट इज पी क्यू। आगे बढ़ते हैं हम, और ऐसे दो सर्किल की बात करते हैं जो दो सर्किल एक दूसरे के सेंटर से होकर निकलते हैं। देखिएगा, पहला सर्किल है और ये दूसरा सर्किल है। अब आपको एक चीज समझनी होगी यहाँ पे कि अगर दो सर्किल एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रहे हैं, अगर दो सर्किल एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रहे हैं, इसका मतलब दोनों सर्किल की जो रेडियस है वो आपस में बराबर होगी। ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट Q, दोनों सर्किल की रेडियस आपस में बराबर होगी, दैट इज हम R ही मानेंगे। अब R1 R2 मानने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों सर्किल की रेडियस बराबर है। पॉइंट A ऊपर होगा और पॉइंट B सबसे नीचे होगा, इन दोनों को AB के द्वारा मिलाया जा रहा होगा,
90 डिग्री का एंगल फॉर्म किया जा रहा होगा और फिर आप कहोगे कुछ इस तरह की आकृति आपको यहां पे दिख रही होगी बनती हुई। जब भी दो सर्कल सिमिलर दे रखे होते हैं तो हमसे पूछा जाता है कॉमन कॉर्ड की लंबाई बता दो क्या होगी। कॉमन कॉर्ड की लंबाई हमसे पूछी जाती है यहां पे क्योंकि उनको पता है कि रेडियस तो बराबर होगी। रेडियस बराबर होने की वजह से दोनों सर्किल के बीच का जो डिस्टेंस है, केंद्रों के बीच की दूरी भी आपस में रेडियस के बराबर होगी। अब हमने आर माना है तो ये होगा आर, ये दूसरा होगा आर, ये होगा आर अपॉन टू, ये भी होगा आर अपॉन टू। देन यहां से हम फिर इसकी हाइट निकाल सकते हैं। अब आप कह सकते हो कि ट्राइंगल ए पी क्यू एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज बन जाएगा जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने की बात कर रहा है तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती क्या है, रूट थ्री बाय टू और ए साइड, साइड कितनी हमारे पास आर है, तो हम कह देंगे कि ए सी की जो लंबाई है यहाँ पे वो है रूट थ्री बाय टू आर। क्लियर है ये बात। इसी तरह अगर नीचे वाले ट्राइंगल पे बात करेंगे तो फिर से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा होगा। और टोटल आप इसको डायरेक्ट याद रखो कि ए बी की लंबाई होती है रूट थ्री आर। क्लियर है बात। ये ए बी की जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी रूट थ्री आर। सिंपल आपको क्वेश्चन आएगा कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर जा रहे हैं तो उनकी उभयनिष्ठ जीवा, कॉमन कॉर्ड को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ जीवा, कॉमन कॉर्ड की लंबाई क्या होगी। तो हम कह देंगे सिर्फ हमें रूट थ्री का मल्टीप्लाई करना है इसमें और हो जाएगा 7√3। जो ए बी की लंबाई होगी वो हो जाएगी 7√3। आई होप ये क्लियर होगा। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल की। कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं इनके बारे में समझते हैं। देखो एक सर्किल है और उसके अंदर ही दूसरा सर्किल बन जाता है, ठीक है। जब भी इस तरह की आकृति बन रही होगी तो उसको हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्किल। ऐसे दो सर्किल जिनका केंद्र एक ही है, ऐसे दो सर्किल जिनका केंद्र एक ही है, एक छोटा सर्किल होगा और एक बड़ा सर्किल होगा। आप कह सकते हो एक का रेडियस होगा आर वन और दूसरे का रेडियस होगा आर टू, ठीक है। यहां पे आपसे जीवा के बारे में पूछा जाता है। अब जीवा देखना कैसे पूछेगा आपसे, आपसे कहेगा सबसे लंबी जीवा, सबसे बड़ी कॉर्ड जो कि बड़े सर्किल पर रखी है पर छोटे सर्किल को टच करके निकल रही है, मतलब छोटे सर्किल का टेंजेंट होना चाहिए और बड़े सर्किल की जीवा होनी चाहिए, ऐसी जीवा की आपको लंबाई बतानी है। मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, इसको ओ मानते हैं और ये जिस पॉइंट पे काट रहा है इसको पी मान लेते हैं। तो आपको बताना है ए बी की लंबाई यहाँ पे कितनी होगी। तो अब समझो यहाँ पे ओ से पी को मिलाएंगे तो आप कहोगे ये तो आर वन है और ओ से ए को मिलाएंगे तो आप कहोगे ये आर टू है। तो R1 और R2 की हेल्प से हम AP बता सकते हैं। जैसे ही आप राइट एंगल ट्राइंगल की बात करोगे OAP में तो AP का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा फाइनल। और फिर बात कर रहे हैं हम AB की, AP निकाला हमने, इसी तरह पी भी चाहो तो आप निकाल सकते हो जो कि बिल्कुल सेम आएगा, इसलिए हम उसको नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। अब ए बी जो होगा वो होगा आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर और इसके आगे मल्टीप्लाई बाय टू लगा देंगे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप अब ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं और कुछ और सर्किल की बात करते हैं। जैसे कि अगर कोई सर्किल है और दूसरा सर्किल
उसको इंटरनल टच कर रहा है। अगर कोई एक सर्कल है जिसको दूसरा सर्कल इंटरनल टच कर रहा है, तो कौन कौन से क्वेश्चन जनरेट होते हैं और हमसे क्या क्या पूछा जाता है, पहले एक बार देख लेते हैं, फिर एक एक करके उनको सॉल्व करना हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले समझो कि यहाँ पे दो तरह के केंद्र होंगे। यहाँ पे दो तरह के केंद्र होंगे, एक बड़े सर्कल का केंद्र होगा हमारे पास और एक छोटे सर्कल का केंद्र होगा, जिसको हम P और Q से रिप्रेजेंट करेंगे। बड़े सर्कल का केंद्र होगा P, छोटे सर्कल का केंद्र होगा Q। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे क्या क्या बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर आपको पता है कि छोटे सर्कल की रेडियस दे देगा R1 और बड़े सर्कल की रेडियस दे देगा R2। यहां पे तीन क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट, तीनों क्वेश्चन एक एक करके डिफाइन कर रहा हूं, फिर उनको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछता है आपसे, कहेगा बड़े सर्कल की वो जीवा बताओ, बड़े सर्कल का वो कॉर्ड जो छोटे सर्कल के सेंटर से गुजरता है। यानी कि आपसे पूछ रहा है, बड़े सर्कल में एक जीवा रखी हुई है जो कि छोटे सर्कल के सेंटर यानी कि क्यू से गुजर रही है, उसकी लंबाई बताओ। तो सबसे पहले पूछा हमसे ए बी के बारे में, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होगी बड़े सर्कल की जो छोटे सर्कल के सेंटर से निकल रही है। तो ए बी की लंबाई सबसे पहले हमें बताना है। दूसरा, छोटे सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो बड़े सर्कल के सेंटर से निकल रही है, जस्ट ऑपोजिट। तो आप कहोगे छोटे सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो बड़े सर्कल के सेंटर से निकल रही है, इसको मान लेते हैं सी और डी। तो दूसरी बार में आपसे पूछ रहा है सी डी की लंबाई, क्लियर। और लास्ट, तीसरी बार में आपसे ये पूछेगा, बड़े सर्कल की सबसे लंबी कॉर्ड जो छोटे सर्कल को स्पर्श करते हुए निकल रही है, यानी कि इसको हम मान लेते हैं ई और इसको मान लेते हैं एफ। तो तीसरी बार में आपसे पूछ रहा है ई एफ की लंबाई, क्लियर बात है ये, है ना। तो हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे और सारी चीजें देखते हुए चलेंगे कि किस तरह हम इनकी वैल्यूज आपस में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ एक बार, और फिर एक एक करके हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ए बी की। ये है पी और ये है क्यू हमारा। ए बी की बात करने वाले हैं, यह है पॉइंट क्यू। ठीक है, तो ए बी निकालने के लिए आपको समझना होगा कि ए बी जो है वो ए क्यू और बी क्यू में डिवाइडेड है। तो हम ए क्यू का वैल्यू निकाल लें और बी क्यू का वैल्यू निकाल के आपस में जोड़ सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हो कि ए बी जो है वो आधा आधा डिवाइडेड है ए क्यू और बी क्यू में। ठीक है, हम जानते हैं ये है आर वन, और अगर पी से लेके ए को मिलाएंगे तो ये है आर टू, बड़े सर्कल की रेडियस। अगर हमें किसी तरह पी से लेके क्यू तक की दूरी मिल जाए, पी क्यू अगर हमें मिल जाए, तो हम ए क्यू आराम से निकाल देंगे। तो पी क्यू किस तरह मिल सकती है ये देखो, समझो। यहां पर पी क्यू निकालने के लिए आप कह सकते, ओके, पी क्यू की जो लंबाई निकालनी है वो मेन है, ये निकालना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पी क्यू की लंबाई कैसे आएगी, तो आप कह सकते हो बड़े सर्किल की रेडियस यानी कि आर टू में से अगर छोटे सर्किल के रेडियस आर वन को माइनस कर दिया जाए तो पी क्यू की लंबाई आ जाएगी।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए पी क्यू में पी क्यू की लंबाई है आर टू माइनस आर वन और ए क्यू ए पी की लंबाई है आर टू, तो ए क्यू निकल के आएगा हमारे पास अंडर रूट आर टू का स्क्वायर माइनस आर टू माइनस आर वन का होल स्क्वायर। ये दूरी आके आ जाएगी हमारे पास ए क्यू की, और हम जानते हैं ए बी जो है वो ए क्यू का डबल है, तो हम लिखेंगे टू अंडर रूट आर टू का स्क्वायर माइनस आर टू माइनस आर वन का होल स्क्वायर। इसको आप चाहें तो और ज़्यादा सॉल्व करके और क्लियर आंसर निकाल के रख सकते हैं, लेकिन इतना ही याद रखो तो ज़्यादा बेटर है, और भी आप सॉल्व कर सकते हो, ट्राई करना और अच्छा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो पहली लंबाई हमने निकाली ए और बी की, जो कि थी बड़े सर्कल की ऐसी जीवा जो छोटे सर्कल के सेंटर से निकल के जा रही थी। दूसरा निकालते हैं इसमें, सेकेंड है हमारे पास छोटे सर्कल की ऐसी जीवा जो बड़े सर्कल के केंद्र से होकर निकले, यानी कि सी डी की लंबाई, ये है पॉइंट पी, ये है क्यू, ये है आर वन, ठीक है। तो हमें निकालना है सी डी की लंबाई। सी डी की लंबाई निकालने के लिए हमें सी पी की लंबाई निकालना जरूरी है, क्योंकि सी पी उसका आधा है। इसका लंबाई निकलेगा कैसे? तो अगर हम Q से C को मिला दें तो आप कहोगे ये हो जाएगा R1। अगर हमें फिर से P और Q के बीच की दूरी अगर पता चल जाए तो हम CP तुरंत निकाल देंगे। तो आप कहोगे ये तो हमने निकाल के रखा था P और Q के बीच की दूरी पहले ही, कितना था ये R2 माइनस R1, तो इसको सीधा यहाँ पुट कर दो। PQ के बीच का दूरी है R2 माइनस R1, और इस तरह सी पी निकल के आ जाएगा अंडर रूट आर वन स्क्वायर माइनस आर टू माइनस आर वन का होल स्क्वायर। और इसी तरह हम फाइनल आंसर सी डी के बारे में बता सकते हैं, टू अंडर रूट आर वन स्क्वायर माइनस आर टू माइनस आर वन का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे फाइनली सी और डी का वैल्यू। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे तीसरा जो बनता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक सर्कल है, इसके अंदर दूसरा सर्कल है, और अब इसमें पूछ रहा होता है आपसे कि सबसे बड़े सर्कल की सबसे बड़ी जीवा यानी कि ई एफ की लंबाई हम निकालने वाले हैं। यह है पी और ये है Q, ठीक है। P से अगर E को मिलाएंगे तो हम बता देंगे कि ये है R2। इस पॉइंट को हम कुछ भी मान लेते हैं X। अगर P और X के बीच की दूरी पता चल गई तो EX पता चल जाएगा, और EX पता चल जाएगा तो डबल हो जाएगा EF, हमारा फाइनल आंसर बनाएगा। तो P और X के बीच की दूरी निकालना सबसे ज्यादा यहां पे इंपॉर्टेंट है। समझो कैसे निकलेगा। ये पूरा लाइन हम कह सकते हैं छोटे सर्कल का व्यास है, छोटे सर्कल की रेडियस है R1, तो व्यास हो जाएगा 2R1। अगर इस छोटे सर्कल के व्यास से हम बड़े सर्कल का रेडियस माइनस कर दें R2, तो आप कह सकते हो कि अगर आपने R2 को माइनस कर दिया तो PX निकल के आ जाएगा, दैट इज 2R1 माइनस R2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले समझना है कि पूरा जो है लाइन, ये पूरी लाइन 2R1 है, व्यास है। फिर P से देखना है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट मान लेते हैं तो समझने में आसानी होगी, इसको मान लेते हैं Y। तो आप कहोगे एक्स वाई की लंबाई जो है वो है 2R1, फिर आप कहोगे पी वाई की लंबाई है R2,
और फिर हम निकाल सकते हैं पी एक्स की लंबाई 2r1 माइनस r2। इसी के हिसाब से ई एक्स अब आप फाइनली निकाल के रख सकते हो आपके सामने। ई एक्स का जो लंबाई होगा वो होगा अंडर रूट r2 का स्क्वायर माइनस 2r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। और ई एफ फिर आप फाइनली निकाल के रखोगे डबल ऑफ r2 का स्क्वायर माइनस 2r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। और इस तरह से ये रिलेशन आपके सामने प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है अभी ये बात? हमने यहाँ पे टू सर्कल में जितनी चीजें बन सकती थी वो देखी हैं। दो चीजें अभी और रह रही हैं इसमें। जब दो सर्किल दूर दूर रखे होते हैं और उनको एक स्पर्श रेखा टच करती है तो उसकी लंबाई, और दो तरह से स्पर्श रेखा टच करती है, दो सर्किल को एक तो ऊपर टच करेगी और दूसरा उसको बेस से मिलाएगी, यानी कि उसको त्रियक रेखा के तौर पे टच कर रही होगी। तो वो दोनों हम जब भी क्वेश्चन करेंगे तो उसके साथ में ही उनको देखते हुए आगे बढ़ जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर उसको ड्राइव करना थोड़ा सा आसान होगा। डेरिवेशन करेंगे तो काफ़ी अभी लंबा जाएगा और रिजल्ट बताने का अभी अकेले कोई मतलब है नहीं उसका। तो आज की क्लास हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, पर याद रखिए कि आपको डिस्क्रिप्शन में अभी 300 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो 300 क्वेश्चंस को ज़रूर चेक कीजिए और सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। डेली का टारगेट रखिए 40-50 क्वेश्चन का और उनको सॉल्व कीजिए। हम लगभग एक हफ्ते के बाद सॉल्यूशन वीडियो लेके आ रहे होंगे, तो फिर आप चेक कीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हैं या कितने क्वेश्चन गलत हैं। और अभी बचे हुए 3 दिनों में, 3 से 4 दिनों में, जब तक हम सर्कल नहीं लेंगे तब तक हम परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और CISI का सॉल्यूशन वीडियो लेके आ रहे हैं, ठीक है? तो उसको भी चेक करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।